जैन साहब पहले तो स्टॉक बता दे, बाकी चीजें मैं बाद में पूछूंगा। यस अनिल जी, लिंकन फार्मा, बहुत सही आपने किया, लिंकन फार्मा है अनिल जी, और ये तीसरी बार मैं कवर कर रहा हूँ जेम्स में, और हर बार बहुत अच्छे से टारगेट्स अचीव, और वन ऑफ द चीपेस्ट फार्मा स्टॉक्स है। सबसे बढ़िया बात है, मतलब फार्मा स्टॉक्स में एक तो परफॉर्मेंस थोड़ी वीक आ रही है, और इसी की वजह से सेक्टर में सारे स्टॉक्स करेक्ट करते हैं, और ऊपर के लेवल से ये भी स्टॉक जब अच्छे से करेक्टेड मिला तो मुझे लगा इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू बाय अ स्टॉक, जहाँ पे रिजल्ट्स क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर बढ़िया आ रहे हैं और अच्छे खासे लेवल्स पे स्टॉक भी है करेक्शन के बाद। तो अब लिंकन फार्मा की मैं थोड़ी हिस्ट्री बता दूं, 1979 से कंपनी कार्यरत है, और कंपनी एक्सपोर्ट्स में और डोमेस्टिक मार्केट्स दोनों में है, करीब 60 से ज्यादा कंट्रीज में लोग एक्सपोर्ट करते हैं, और सेमी रेगुलेटेड मार्केट्स है कुछ अफ्रीका लैटिन अमेरिका जहाँ पे काफी पोटेंशियल होता है वहां पे कंपनी का प्रेजेंस है, और कंपनी इनफैक्ट कोरोना के दौरान काफी जो कोरोना रिलेटेड जो चीजें थी विटामिन सी और च्यूएबल टैबलेट जिंक की और ये सब की भी काम की थी, तो कोरोना के दौरान परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं होते हुए भी ठीक मेंटेन किया कंपनी ने, और सबसे बढ़िया बात है आरएनडी पे भी ठीक ठाक स्पेंड करती है और अच्छा खासा टीम स्ट्रेंथ है, और कंपनी के पास 1700 के प्रोडक्ट रजिस्ट्रेशन है और करीब 700 से ज्यादा की पाइपलाइन और है, और अब मैं बात करता हूँ करीब 30-15 थेरापेटिक सेगमेंट्स में है जहाँ पे इनका एक्यूट सेगमेंट जो है एंटी इन्फेक्टिव्स वहां से इनको ज्यादा वो मिलता रेवेन्यूज, और सबकी अगर वन ऑफ द चीपेस्ट फार्मा स्टॉक्स मैंने बोला तो देखिए आप 9 के 7 के पी मल्टीपल पे स्टॉक है, एक ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट्स पे कंपनी है 9 के PE मल्टीपल पे, और 24% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 18% का रिटर्न ऑन इक्विटी, और पिछले अगर 5 साल के प्रॉफिट की कैगर देखें तो करीब 20% के लगभग रही है, और उससे भी बढ़िया बात है मैं क्वार्टरली रिजल्ट देख रहा था तो लास्ट 2 क्वार्टर से कंपनी 20s में कमा रही है, पहले ये टीन्स में कमा रही थी जैसे, और 18 करोड़ 2021 में जो कमाई उसके सामने 22 करोड़ का पैट है, और दिसंबर सितंबर का क्वार्टर भी बहुत बढ़िया था 24 करोड़ का पैट था, तो उसके सामने ये 71 करोड़ का बॉटम लाइन रहा है, और करीब 660 करोड़ की कंपनी है उसके सामने 71 करोड़ का पैट है इनका, और शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इस बार दिसंबर में FIIs कुछ ऐड हुए हैं जिनकी 1.5% के लगभग शेयर होल्डिंग है, और प्रोमोटर्स के अलावा कुछ रिनाउंड नेम्स है इंडिविजुअल शेयर होल्डिंग लिस्ट में भी, तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक को आराम से लेना चाहिए, 380 के लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ है, और अभी जिन लेवल्स पे यहाँ से करीब 390 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को खरीदे। ये है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय है जैन साहब की तरफ से आपके लिए आती हुई दिख रही है, और टारगेट आपके लिए 390 के हैं 3 से 6 महीने के लिए। जैन साहब आप हमें बताएंगे या बाद में अलग से कुणाल जी अपने सोर्सेज से हमें बताएं कि आपके लेट होने की वजह आज वैलेंटाइन्स डे के मौके पर? हाँ यस सर अनिल जी, पहले तो हैप्पी वैलेंटाइन्स डे टू यू दीपाल जी, पूरे हमारे पैनल और पूरे हमारे जो व्यूअर्स है उन सबको, और रीजन ये है कि मैं कलकत्ता एयरपोर्ट से भी दे रहा हूँ, ये तीसरी बार हो रहा है एक ही क्रम में, अगस्त में भी ऐसे मुझे याद है सेम फ्लाइट पे आता हूँ और 9:45 पे दिया, फिर दिसंबर में था और आज, तो हर बार ऐसा हो रहा है, बट ये फ्लाइट की टाइमिंग का मैं कुछ कर नहीं पा रहा था, बट फिर भी आज लकीली आई कुड बी ऑन टाइम और 5-7-10 मिनट डिलेड में हो गया। थैंक यू सो मच अनिल जी फॉर कोऑपरेटिंग सो मच एंड मुझे हर बार चांस देने के लिए कि फोनर पे भी मैं दे सकूं। नहीं नहीं, अरे बिल्कुल मोस्ट वेलकम, हम तो खाली उसमें इंटरेस्टेड थे कि आप है कहाँ, बस पता चल गया एयरपोर्ट पे तो बस हमें तसल्ली हो गई बस। धन्यवाद जैन साहब। एक जगह फ्लाइट के अंदर से इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, वो भी अब इंटरनेशनल फ्लाइट में तो होने लग गया, डोमेस्टिक में भी हो जाए तो अच्छा हो जाएगा सर। नहीं नहीं, हो जाएगा सर, टेक्नोलॉजी जिस तरह से बढ़ रही है जल्दी हो जाएगा, ये सुविधा भी आपके लिए हो जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।